सर ये फाइल कंप्लीट हो गई, लंच ब्रेक के बाद सबमिट करूंगा। हाँ, तुम मेंबर काउंट करके बताओ। ओके। अबे वाह छोले भटूरे। हाँ पर ये तुम्हारे काम के नहीं है, ठंडे हैं। वो ऑफिस गर्ल को बुला लो ना, वो गरम कर देगी। वो तो बताना भूल ही गया, वो छोड़कर चली गई। वाकई? हाँ तुझे मेरा ठरकपन तो पता है। क्या हुआ? वो पिछले दिनों किचन में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वो जाब छोड़ के चली गई यार। ना कर यार। यार। सर आपकी बहुत अच्छी फोटो है मेरे पास। अच्छा? हाँ ये देखिए। हाउ डेयर यू, तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं आती? सर अगर एक लड़की आपकी वजह से अपना रास्ता बदलती है तो आप में और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं। लोग औरत को फकत एक जिस्म समझते हैं, कोई सोचता ही नहीं उनमें भी रूह बसती है। अबे ये देख रोमन अमेरिका घूम रहा है। अमेरिका छोड़, आते साथ ही जॉर्जिया चला गया और एक हम लोग को देखे यहीं पे बैठे। हाँ यार। अरे वो देख रोमन। ओए इसको क्या हुआ है? चला पूछते। भाई आप रोमन खान हो ना? जी मैं ही हूँ। क्या हुआ यार? पता नहीं जब से बाहर से आया हूँ सब अजीब ही हो रहा है। अभी आप लोगों के सामने ही हॉस्पिटल से निकला हूँ। पता इसे कहते हैं नजर, हमेशा हम लोगों की कामयाबी हसद भरी निगाहों से देखते हैं और माशाल्लाह बोलना भूल जाते हैं और इन्हें नजर लग जाती है। कभी किसी से हसद न करना क्योंकि अल्लाह जिसे देता है उसे अपने खजाने से देता है, तुम्हारे नसीब से छीन कर नहीं। अरे भाई साहब मेरी गाड़ी का एसी नहीं चल रहा है, थोड़ा चेक कर लो ना यार। सर दो मिनट बैठो मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ इस गाड़ी को? अरे सेठ इसका फिल्टर खराब है। अरे फिल्टर नहीं पूरा कंप्रेसर गया बोलना, 2000 का बिल डालना है। ओके सेठ। अरे भाई काम छोड़ो पहले पानी पी लो, गर्मी बहुत है। पैसे कितने हो गए भाई? 20 दिरहम हुआ सर फिल्टर का बस। हाँ थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। सेठ वो लाल गाड़ी का पैसा, मैंने तुझे 2000 दरम बोला था, तूने 20 दरम लाया। सेठ मेरे रगों में ना हलाल की कमाई का खून दौड़ रहा है, हराम की कमाई का नहीं। हराम की कमाई से आप दुनिया में जन्नत तो बना लोगे लेकिन याद रखना आपकी दोजत भी तैयार हो रही है। ये कहाँ जा रहा है? अबे तो इतना कंजूस है ईद के दिन भी दुकान बंद नहीं करता। ईद बहुत मुबारक हो, आप केस जीत चुके हैं। सो मच। कहा था ना मैं ही जीतूंगा। सॉरी सर आप केस हार चुके और ये आपके फाइल्स। और हाँ दो दिन का टाइम अपने माँ बाप के साथ घर खाली जी, कर दो। ठीक है। अरे आप अभी भी हंस रहे हो, आप केस हार चुके, आपकी प्रॉपर्टी जायदाद सब भाई ले गया है, आपको अभी भी अफसोस नहीं है? वकील साहब भले ही मेरा भाई दौलत प्रॉपर्टी सब जीत गया हो लेकिन मैं इस दुनिया और आखिरत की दौलत जीत गया। वो कैसे?
क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। माँ बाप का साया अगर सर पे हो तो औलाद बादशाह होते हैं। अल्लाह सबकी बादशाही सलामत रखे।